नमस्ते, इंडियन कुकिंग रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शेजवान नूडल्स। शेजवान नूडल्स ये इंडो चाइनीज रेसिपी है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं शेजवान नूडल्स बनाना। नूडल्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 100 ग्राम नूडल्स लिए है, आधा कप मैंने कटा हुआ शिमला मिर्च ली है, आधा कप मैंने कटा हुआ गाजर लिया है, आधा कप मैंने कटा हुआ प्याज लिया है, एक कप मैंने कटा हुआ प्याज के पत्ते लिए है, एक कप मैंने कटा हुआ पत्ता गोभी लिया है, एक छोटा चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ अदरक लिया है, डेढ़ छोटा चम्मच मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है, एक चम्मच मैंने शेजवान सॉस लिया है, एक छोटा चम्मच मैंने रेड चिली सॉस लिया है, नमक लिया है स्वादानुसार, विनेगर लिया है मैंने आधा छोटा चम्मच, डेढ़ छोटा चम्मच मैंने टोमेटो सॉस लिया है, फिर यहाँ पे मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच सोया सॉस। तो शुरू करते हैं शेजवान नूडल्स बनाना। उसके लिए सबसे पहले हम ये जो मैंने नूडल्स लिए हैं इसको हम बॉईल कर लेंगे। इसके लिए मैंने गैस के ऊपर एक पैन में पानी रख दिया है, गैस को हम ऑन कर देंगे और पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अब हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे टेस्ट के लिए और एक छोटा चम्मच हम इसमें ऑयल मिलाएंगे। ऑयल मिलाने से ये जो हम नूडल्स इसमें बॉईल करेंगे तो वो आपस में चिपकेगी नहीं। अब हम इसमें नूडल्स मिलाएंगे। इनको हम लगभग 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। हमारी नूडल्स ये बॉईल हो चुकी है, इनको बॉईल करने में मुझे कम से कम 7 मिनट लगे हैं। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये नूडल्स को हम छलनी में छान लेंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल लेंगे। अब मैंने ये नूडल्स को अच्छे से छान ली है, इसका एक्स्ट्रा पानी भी निकाल लिया है। अब हम इसमें ठंडा पानी इसके ऊपर से मिलाएंगे जिससे कि आपस में ये नूडल्स चिपके नहीं और इसको पूरी तरह से ये जब ठंडी हो जाएगी तब हम इनको यूज करेंगे। ये नूडल्स को मैंने ठंडे पानी से अच्छे से धो लिया है और अभी ये पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब हम शेजवान नूडल्स बनाना शुरू करते हैं। शेजवान नूडल्स बनाने के लिए मैंने गैस के ऊपर एक पैन रख दिया है, गैस हमारा ऑन है। इसमें हम 2 से 3 छोटे चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल हम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि कौन से भी चाइनीज रेसिपी में ऑयल ये बहुत कम यूज होता है और गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे क्योंकि चाइनीज रेसिपी ये हाई फ्लेम पे ही बनती है। अब हम हमारा ऑयल गर्म हो जाए तब तक हम वेट करेंगे। अब हमारा ऑयल ये अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम छोटा चम्मच कटा हुआ अदरक और एक डेढ़ छोटा चम्मच कटा हुआ लहसुन इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, बस 30 सेकंड के लिए ही इसको फ्राई करना है और इनको जलाना नहीं है। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें एक एक करके सारी सब्जियां मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कटा हुआ प्याज, फिर कटा हुआ शिमला मिर्च, कटा हुआ गाजर और कटा हुआ पत्ता गोभी। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, लगभग इसको 1 मिनट के लिए ही पकाना है क्योंकि हमें यह सब्जियों को थोड़ा सा क्रंची रखना है। अब हम इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन मिलाएंगे और थोड़ा सा जो है वो गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा स्वादानुसार नमक मिलाएंगे।
गैस की फ्लेम मेरी हाई है। अब आप देख सकते हैं कि लगभग एक मिनट हो चुका है और हमारी ये जो सारी सब्जियां हैं वो आधी पक चुकी हैं। अब हम इसमें एक एक करके सारे सॉसेस मिलाएंगे। सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे एक चम्मच शेजवान सॉस, ये होममेड शेजवान सॉस है। फिर हम इसमें मिलाएंगे एक चम्मच रेड चिली सॉस। फिर हम डेढ़ छोटा चम्मच मैंने टोमेटो सॉस लिया था, इसको हम इसमें मिला देंगे। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच सोया सॉस मिलाएंगे। फिर आधा छोटा चम्मच विनेगर, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च की पाउडर नहीं ली है क्योंकि ये जो शेजवान सॉस है इसमें ये सब ऐड रहता है। अगर आपको थोड़ा सा और स्पाइसी चाहिए तो आप आधा छोटा चम्मच से भी थोड़ा सा कम ब्लैक पेपर पाउडर ले सकते हैं। अब हमारे ये सॉसेस सारे मिक्स हो चुके हैं। लास्ट में हम इसमें ये जो नूडल्स है इसको हम मिक्स करेंगे। नमक मैंने नूडल्स में भी मिलाया था और सारी सब्जियां मैंने फ्राई करी थी तभी मैंने नमक मिला दिया था, इसलिए हम अभी ऊपर से नमक नहीं मिलाएंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे सारे सॉसेस इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। हम इसको कम से कम 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। शेजवान सॉस की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अब हम इसको थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन के साथ गार्निश करेंगे। अब हमारे नूडल्स ये बनके रेडी हैं। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारे शेजवान नूडल्स बनके रेडी हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।